हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हम बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है जो हम पूरा ब्लॉग सेट करते आ रहे हैं, तो आज मैं उसके अंदर आपको पहला ब्लॉग जो है किस तरह से पोस्ट करा जाता है, तो कितना करीब कंटेंट आपको पोस्ट करना चाहिए, किस तरह से हम उसके अंदर ऐड करते हैं कंटेंट को, ये पूरा प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है ये सारा काम किया जाता है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, तो आप जितने भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आगे लैपटॉप स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी ये कुछ एक ब्लॉग पहले का सैंपल पड़ा हुआ है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे पोस्ट के ऊपर, क्योंकि यहीं पे हमारा सारा चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये आपका पोस्ट है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, थ्रैश में डाल देते हैं। तो थ्रैश में डाल दिया हमने, तो अब अगर मैं यहाँ पे फ्रंट पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखते हैं नथिंग फाउंड आ गया, यानी कि इसके ऊपर कोई भी इस वक्त जो है पोस्ट नहीं अवेलेबल है। तो अब मुझे ऐड करना है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या चीजें करनी होती है, कैसे करनी होती है, ये सारी चीजें जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर अप्लाई करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके टाइटल की। तो टाइटल क्या होना चाहिए, तो टाइटल जो है मैं बेसिकली यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है नेटवर्किंग गाइड फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, राइट। यही मैं जो है इसका टाइटल देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं नेटवर्किंग गाइड फॉर नेटवर्क और इंजीनियर्स, राइट। तो यहां पे ये मैंने यहां पे लिख दिया इसका टाइटल, तो ये मेरा टाइटल हो गया। इसके बाद जो है यही एक बार मैं यहां पे वापस जो है इसका जो ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बेसिकली आप जो है पूरे यहाँ पे ब्लॉक सिस्टम्स होते हैं, तो ब्लॉक सिस्टम में आप यहाँ पे प्लस करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, तो आपको पेज ब्रेक देना है, पैराग्राफ डालना है, इमेज डालना है, हेडिंग डालनी है, आपको गैलरी डालनी है, लिस्ट डालना है, तो आपको करना क्या है। तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो है एक हेडिंग डालना चाहता हूं, तो हेडिंग जो है मैं वापस यही कॉपी पेस्ट कर देता हूं जो कि हमारी H1 के अंदर होनी चाहिए। तो मैं इसको जो है H2 है तो इसको H2 से H1 पे यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आपका H1 के अंदर डिफाइन हो चुका है, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके बाद मैं जो है इस पूरा थोड़ा सा एक डिटेल डालना चाहता हूं, तो मेरे पास डिटेल डालने के लिए यहां पर जो है कुछ डिटेल है, तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, राइट। ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके इसको वापस से हमारे ब्लॉग पे जाते हैं और यहां पर जाकर अब मैं पैराग्राफ डालना चाहता हूं। व्हाट आई विल डू इज मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं और यहां पर जो है ये पेस्ट कर देता हूं, देख सकते हैं ये आपका पेस्ट हो गया। अब इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चीजों को सेट करना है आप आसानी से सेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो है मैं आपको बाद में इसको सेट कर देंगे, लेकिन अभी जो है मैं इसको आगे बढ़ता हूं। ये हमारा पहला एक सेक्शन हो गया। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे कोई एक टेबल बनाना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे अलग अलग टाइटल्स हैं, तो हर टाइटल पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेबल डिजाइन करना है, तो मैं आसानी से जो है यहाँ पे टेबल डिजाइन कर सकता हूँ। तो टेबल डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट बन जाए, तो मैं यहाँ पे लिस्ट लेता हूँ। तो ये आप देखते हैं पहली लिस्ट आ गई, इसमें मुझे पहला क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप देखते हैं ट्रबल शूट दी एंड एडिट एंड पोर्ट्स, तो यही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरे पहली टाइटल हो गया। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पे लाइन एडिटिंग कमांड है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। फिर इनको हम जो है अपने अकॉर्डिंग जो है हाइपर लिंक्स वगैरह देने हैं, तो वो भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा इसके अंदर। तो ये आपका फिर इसके आगे आ गया, तो ऐसे करके जितना भी हमारे पास है वो सारे के सारे हमें जो है यहाँ पे टाइटल्स वगैरह को ऐड करते चलना है, जैसे ये ऐड करते जा रहा हूं मैं, राइट। इसके बाद राउटिंग एंड स्विचिंग का कॉन्फ़िगरेशन का है, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से सारे जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं तो वो आपको यहां पर जो है इस तरह से ऐड कर देने, तो ये आपका जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में यानी कि आप पूरे अपने ब्लॉग के अंदर जो है क्या डिफाइन करने चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से जितने मेरे बाकी के बचे हुए हैं वो भी मैं ऐड करूंगा, बट अभी जो है मैं इनको ऐड ना करके अब मुझे क्या करना है यहाँ पे इसके नीचे टाइटल बाय टाइटल जो है इसको ऐड करना है। तो व्हाट आई विल डू इज अब मुझे यहाँ पे हेडिंग वापस से लेनी है और हेडिंग में अब मैं या तो H2 का इस्तेमाल करूं या फिर H3 का, तो मैं यहाँ पे H2 का इस्तेमाल कर लेता हूं, राइट। H2 में ये जो हमारा पहली टाइटल है, तो ये हमारा पहला टाइटल है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं वापस से और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये H2 जो है वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड मुझे पूरी ये
यहाँ पे कमांड्स डालनी है, राइट। तो कमांड्स को मैं यहाँ पे और नीचे चलता हूँ, तो यहां तक मेरी कमांड है पहले सेक्शन की, तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके यहां पर वापस से मैं पैराग्राफ टैग लेता हूं और पैराग्राफ में जाकर इसको पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरे पूरे यहां पे पेस्ट हो गए। इसी तरह से फिर मैं वापस यहां पे हेडिंग लेता हूं और हेडिंग में H2 में जाता हूं, तो फिर वापस से यहां पे सेकंड जो हमारा है पूरा, इसको मैं यहां से ऐड करता हूं। ये मैंने H2 में हेडिंग डाल दी, फिर यहां पे पैराग्राफ लूंगा, राइट। ये मैंने सेकंड पैराग्राफ ले लिया, इसके अंदर जो है पूरी कमांड्स यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। और ये ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं किसी भी वेबसाइट के साथ में जो है मैच नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये कमांड्स हैं जो मैंने खुद पूरी अलग से कॉन्फ़िगर करी हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि ये जो है मेरे अकॉर्डिंग है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको अपने अकॉर्डिंग जो है पूरा हर तरीके से इसको जो है डिफाइन करना है, यूनिक रखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ लूंगा, तो वापस से अभी ये पैराग्राफ के लिए मुझे ये कमांड्स है मेरी, तो वापस से यहाँ पे ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपको पूरा इसमें डालना है। अब फाइनली जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए, अभी मेरा तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो मुझे इसमें ऐड करनी है, वो जो कि मैं बाद में करता रहूंगा। आपको एक तरीका बता दिया किस तरह से ऐड करना है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ से इसका जो हेडिंग वगैरह है, इनको अगर आपको कुछ कलर सेटिंग्स वगैरह करनी है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं अपना सेट। और यहाँ पे जो आपके बाकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, तो ये जो आपका आर्टिकल है वो किस कैटेगरी में रहेगा, तो मेरा ये टेक कैटेगरी में रहेगा, लेकिन ना तो ये स्विच में रहेगा, ना राउटर में रहेगा, ना ही टोपोलॉजी में रहेगा, तो मैं इसको सिर्फ टेक के अंदर छोड़ देता हूँ, राइट, मेन कैटेगरी के अंदर ही रहने देता हूँ। अब इसके लिए टैग्स क्या होंगे, तो यहाँ पे मैं से फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ CCNA कमांड्स, राइट। तो CCNA कमांड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक, फिर यहाँ पे CCNA से फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं स्विच कमांड्स, क्योंकि इसके अंदर ये भी देख रखा है, फिर CCNA राउटर कमांड्स कर देता हूँ, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे नेटवर्किंग कमांड्स लिख देता हूँ, राइट, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो जो आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए उतने टैग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जो कंटेंट है, जब भी ये डिस्प्ले हो तो आपको साइड बार चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे कंटेंट के साइड पे एक जो है बार चाहिए, ताकि बाकी सारी डिटेल भी आपको दिखती रहे। इसके बाद यहाँ पे डिस्कशन के अंदर जो है आप कमेंट्स को एक्नॉलेज करना चाहते हो, कमेंट्स अलाउ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, पिंग बैक ट्रैक बैक जो है आप देना चाहते हो कि नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट्स जो है वो अलाउ कर देता हूँ। एक्सपर्ट सेक्शन के अंदर जो है अगर आप कुछ एडिशनल यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है के लिए सेक्शन यूज होता है आने वाले सेक्शन के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर जो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम यहाँ पे फीचर इमेज पे चलते हैं, और फीचर इमेज में जो है जो इमेज हम चाहते हैं वहां पे डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक इमेज जो है रेडी करके रखी है इसके लिए, तो नेटवर्क गाइड फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए ये मैंने डाल के रखा है। तो यहां पर ये एक इसका अल्ट टैग होता है, तो अल्ट टैग में भी जो है हम यहाँ पे वही चीजें लिखते हैं, जैसे कि वापस मैं यहाँ पे डाल देता हूं नेटवर्क गाइड फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, तो ये मैंने डाल दिया ताकि जब भी कोई क्रॉलर सिस्टम आए तो उसको पता होना चाहिए कि ये इमेज जो है किस रिलेटेड है। अब मैं इसको सेट एज फीचर इमेज कर देता हूं, ये मेरी सेट एज फीचर इमेज हो गई। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर फिट नहीं हो रही है, देखो अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये प्रॉपर फिट नहीं हो रही है, तो इसको कैसे सेट करना है वो मैं आने वाले वीडियो के अंदर जो है आपको बेसिकली उसमें आपको फोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पे क्या साइज लेना चाहिए, कितना बाय कितना लेना चाहिए, वो आपको सेट करके बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे पहला जो है ऐड कर रहे हैं, तो अभी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है जो कि धीरे धीरे हम आने वाले वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, और फाइनली इतना करने के बाद जो है हम इसको पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देते हैं। तो ये आपका पब्लिश हो गया। अब अगर हम फ्रंट पे जाके जो है एक बार इसको और रिफ्रेश करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी नेटवर्क गाइड फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, तो ये आपका जो है यहाँ पे पूरी इमेज आ गई, और यहाँ पर जो है ये सारी डिटेल आ गई। आप देखते हैं यहाँ पे टैग आ गया, कमेंट्स आप डाल सकते हो, CCNA कमांड जो भी हमने टैग डाले वो भी यहाँ पे लिस्ट हो गए, और यहाँ पे आपका रीड मोर का ऑप्शन भी आ गया। रीड मोर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे साइड बार भी आ रहा है, राइट। रिसेंट पोस्टेड, तो ये आपका रिसेंट पोस्टेड के अंदर आ गया, और यहाँ पे आप देखते हैं ये सारा का सारा जो हमने डाला है वो बिल्कुल तरीके से जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
तो इस तरह से जो है अगर कोई कमेंट लीव करना चाहता है तो यहां से कमेंट वगैरह भी डाल सकता है। तो ये हमारा पहला ब्लॉग जो है हमने सेटअप कर दिया। तो इसी तरह से जो है आप धीरे धीरे करके ब्लॉग सेट करेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारी काम करना बाकी है, तो उन काम को भी जो है हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। सो आई होप कि आपको जो है पहला पोस्ट जो है किस तरह से लिखना होता है वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस वगैरह भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करनी होती है आने वाले ब्लॉग्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ गाइस।